The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हमें और एक स्पेशल पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, इसलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है रेटाइनल डिजीजेस। तो भाई रेटाइना का मतलब है आपके आँख के पर्दे की बीमारियाँ, आँख के पर्दे, आँख के पीछे के पर्दे, यानी आँख में क्या क्या इशू हो सकता है और क्या क्या बीमारी हो सकती है, आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कैसे बचना है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रेटाइनल डिजीजेज में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, वेरी करती हैं, पर ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी, अगर रेटाइना में प्रॉब्लम होगी आपके, रेटाइना जो भी कह लीजिए, तो आपको विजन में प्रॉब्लम आएगा, दिखने में प्रॉब्लम आएगा। रेटाइनल डिजीज जो है आपके किसी भी रेटाइना के पूरे पार्ट्स में कहीं भी इफेक्ट कर सकती है। रेटाइना आपका आँख के पीछे का पर्दा है, पतला सा, जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं जो रिसीव करते हैं विजुअल इंफॉर्मेशन, आपकी आंखों में आने वाली जो छवि है उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इंटरप्रिटेट कराते हैं भाई क्या है। आपके रेटाइना जो है आपके ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन जब पहुंचा देता है तब आप देख पाते हो किसी चीज़ को। तो इसी इसका काम है रेटाइना। तो बहुत ज़रूरी ऑर्गन है आपके बॉडी का, उसके बगैर देख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सो रेटाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो याद रखिए, रेटाइना की बीमारियाँ बहुत सारियाँ हैं, बहुत सारी है, और उसमें से कुछ ही बीमारी का इलाज है। बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसका इलाज नहीं है, राइट। अब कौन कौन सी कंडीशन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट गोल वेरी करता है। कुछ कंडीशन पूरी ठीक हो जाएंगी, कुछ मैनेज हो जाएंगी, कुछ के साथ जीना सीख लेंगे, ऐसे है, राइट। तो कुछ बीमारियां रेटाइना की विजुअल लॉस और ब्लाइंडनेस कर सकती हैं लंबे समय, सीवियर वाला का सिंपल। सो क्या क्या बीमारियां होती हैं। नंबर वन, सबसे कॉमन बीमारियां रेटाइना की है रेटाइनल टीयर, पर्दा फट गया। पर्दा फट सकता है और जब ऐसा होता है, जब भी कोई क्लियर जेल लाइक सब्सटेंस आ जाए इन द सेंटर ऑफ द आई विट्रस, तो मतलब देर इज अ जेल लाइक सब्सटेंस इन द सेंटर ऑफ योर आई, राइट, जो विट्रस बोलते हैं, आई के अंदर जो पानी होता है उसको विट्रस बोलते हैं। सो ये जो इट कैन श्रिंक एंड ट्रग ऑन द थिन लेयर ऑफ द टिश्यू लाइनिंग और द बैक ऑफ द आई रेटाइना, जिसके कि ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब एक कोई भी चीज़ हो जो उसको फाड़ रहे, बेसिक चीज़ है। अगर ऐसा हो जाता है कि तो कई बार आंखों के सामने फ्लैशिंग आ सकती है, फ्लोटर्स आ सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा बादल जैसा दिखेगा, क्या घूम रहा है ये, कुछ भी आंखों के सामने घूम रहा है, या फ्लैश लाइटनिंग आ सकती है, रेटाइनल टीयर हो सकता है, या चोट से हो सकता है, या काफ़ी दूसरी तीसरी बीमारियों से आ सकता है, या फिर कोई जेल लाइक सब्सटेंस जैसे हमने बताया आँख के बीच में आ जाए, तो कई बार कोई कारण नहीं पता चलता, अपने आप रेटाइनल टीयर भी हो जाते हैं। दूसरा है रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट का मतलब है कि आँख का पर्दा अपने जो जहाँ लगा हुआ है वहाँ से हट गया, सिर्फ हट गया और फट गया अलग है, राइट। हट गया से क्या होता है कि रेटाइना वहाँ लगा हुआ होता है, उसके नीचे कोई पानी नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगर वहाँ का बाहर का फ्लूइड उसके अंदर घुस जाए, वहाँ रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाए, तो जितना एरिया डिटैच हो गया वो काम नहीं करेगा, तो आपको विजन लॉस हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। सो वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है। सो रेटाइनल डिटैचमेंट एक अलग बीमारी है। फिर डायबिटीज़ के वजह से रेटाइना ख़राब हो सकती है, नसें ख़राब हो सकती हैं, खून की नसें ख़राब हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल नसें ख़राब हो सकती हैं रेटाइना, बिकॉज रेटाइना में सबसे महीन खून की नसें होती हैं, तो डायबिटीज़ में खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, इवन सिगरेट पीने से, स्मोकिंग से खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, वो भी रेटाइनोपैथी कर सकते हैं। तो रेटाइनोपैथी डायबिटिक हो सकती है, राइट, जिसके वजह से कैपिलरीज़ आपके आंखों में जाने वाली खून की नसें सिकुड़ सकती हैं और फ्लूइड भी लीक हो सकता है रेटाइना के नीचे, रेटाइना में स्वेलिंग आ सकती है, आपके विजन में ब्लरिंग या डिस्टॉर्शन आ सकता है, विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। धीरे धीरे आपके विजन और ख़राब होती जाएगी डायबिटीज़ के साथ साथ, दैट इज़ देयर। फिर एपी रेटाइनल मेम्ब्रेन नाम की चीज़ होती है, ये एक डेलिकेट टिश्यू है, स्कार के जैसा है, जो स्कार लाइक मेम्ब्रेन है जो कि एक रेटाइना के ऊपर पड़ जाता है, मान लो कोई स्कार जैसा आ गया रेटाइना के ऊपर, और ये मेम्ब्रेन जो है थोड़ा सा रेटाइना को खींच भी सकता है, ऊपर पीछे खींच, तो रेटाइना अपनी जगह से हटा कि विजन में प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो दैट उसमें आ सकता है, कोई ऐसा लगेगा कुछ सामने आ गया है, कुछ ब्लरी विजन हो गया, ऐसा कुछ लगेगा। फिर रेटाइना में एक मैक्यूला होता है,
मैक्यूलर होल एक बीमारी है, मतलब मैक्यूलर होल का मतलब है कि देर इज अ डिफेक्ट, छोटा सा डिफेक्ट है जो रेटाइना के सेंटर में है, जो एकदम बीच का पार्ट है जिसको बोलते हैं आँख के, आँख के बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे लगता है आपका जो केंद्र बिंदु है जहाँ पे इमेज कॉन्सेंट्रेट होती है उसको मैक्यूला बोलते हैं। तो उस मैक्यूला में होल आ जाए, मैक्यूलर होल बोलते हैं। वो कभी कभी अजीबोगरीब खींचतान हो जाए आँखों के बीच में, आँखों का और विट्रस का, तो ऐसा हो सकता है। ये आँखों में इंजरी होने के बाद, चोट लगने के बाद काफ़ी कॉमन, मतलब हो सकता है उसके बाद हो जाए। तो मैक्यूलर होल और रेटाइनल टीयर, ये सब चोट से हो सकता है। मैक्यूलर डीजेनरेशन भी होता है कि भाई मैक्यूला में होल नहीं आया, कोई खींचता नहीं, लेकिन बस वो धीरे धीरे उम्र के साथ या कोई बीमारी के वजह से डीजेनरेट हो गया। अब इसमें जो होता है, मतलब ख़राब होने शुरू हो गया मैक्यूला और विजुअल फील्ड ख़राब होने लग जाएगी, क्योंकि मेन जगह देखने वाली मैक्यूला है। उसमें दो प्रकार के होते हैं, वेट वाला डीजेनरेशन, ड्राई डीजेनरेशन। जो लोग जिनको ड्राई फॉर्म होता है वो धीरे धीरे वेट में कन्वर्स हो सकते हैं, एक या दोनों आँख में। ये दोनों के दोनों, मतलब मैक्यूला वाला एरिया है वो उम्र के साथ ख़राब होते जा रहा है, ये डिजेनरेशन होता है उम्र के साथ या बीमारी के साथ। फिर होता है रेटाइनाइटिस पिगमेंटोशा। पिगमेंटोशा का मतलब है कि रेटाइना के ऊपर धब्बे आ गए हैं, दाग धब्बे आ गए हैं, यानी कि उसके ऊपर थोड़े थोड़े पिगमेंट्स आ गए हैं। इसमें ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है, मतलब वहाँ पर भी डीजेनरेशन हो रहा है और वहाँ पिगमेंट आ रहे हैं, और ये स्लोली होता है, धीरे धीरे रेटाइना को अफेक्ट करके अगेन रेटाइना ख़राब होगा, लॉस ऑफ विजन होगा। सो रेटाइना में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या क्या आ सकता है आपको आँखों के सामने? फ्लोटर्स, स्पेक्स, कॉबवेब्स दिख सकते हैं, ब्लरिंग हो सकती है, धुंधला दिख सकता है, डिस्टॉर्टेड दिख सकता है, स्ट्रेट लाइंस, वेवी जैसा दिख सकता है, राइट, शेप चेंज हो सकता है चीज़ों का, सीधा सीधा आँख ख़राब हो सकती है, विजन ख़राब हो सकता है, या साइड विजन ख़राब हो सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है या आपको लग रहा है कि आपके रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मान लो आपको छोटा मोटा फ्लोटर दिख रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं है कुछ नहीं छोड़ो, लेकिन अगर आपके रिस्क फैक्टर है, आप स्मोकिंग करते हो, मोटे हो, एज ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, आँख में चोट लगी है, फैमिली हिस्ट्री है रेटाइनल डिजीज़ की, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो छोटी सी दिक्कत आपका एकदम आँखें में आगे चल के ऐसा विजन प्रॉब्लम, विजन लॉस करा सकती है। डायग्नोसिस के लिए एक ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, वो आँख के डॉक्टर होते हैं, वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट वो आपका डायग्नोसिस करेंगे आई एग्जामिनेशन करके, एक थरो एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं जो बता सकते हैं कि कितनी बीमारी है, कहाँ तक बीमारी है। इसमें कई टेस्ट होते हैं जैसे एम्सलर ग्रिड टेस्ट, ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी, फंडस ऑटोफ्लोरेंस टेस्ट, राइट, फ्लोरोस्क्रीन एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, राइट, इंडोसाइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारे प्रकार के टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि रेटाइना में एग्जैक्टली कहाँ पर क्या बीमारी हो रही है। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, जो भी बीमारी हो रही है, फट रहा है, हट रहा है, खराब हो रहा है, उम्र से डिजनरेट हो रहा है, उसके प्रोग्रेशन को रोकें और ना फटे और ना हटे और वापस इम्प्रूव हो सके, ये दो तीन हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर कहीं डैमेज ऑलरेडी हो चुका है जो रिवर्स नहीं हो सकता, तो उसको अर्ली डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर कोई ट्रीटमेंट है तो वो क्या क्या ऑप्शंस हैं? कई बार ट्रीटमेंट जो है लेज़र से ट्रीटमेंट हो सकता है, लेज़र सर्जरी कर सकते हैं जिससे रेटाइनल टीयर या होल को रिपेयर किया जा सकता है। इसको यूज़ करते हैं लेज़र को, राइट, लेज़र से हीट प्रोड्यूस होती है, उससे कई बार रेटाइना की थोड़ा बहुत स्कार जैसा बन जाता है जो बाइंड कर देता है रेटाइना के टिश्यू को टुगेदर। फिर कई बार अगर कोई एबनॉर्मल ब्लड वेसल है, खून सी नसी है, नस फूली हुई है कुछ है, तो उसको श्रिंक किया जा सकता है। वो स्कैटर लेज़र फोटोकोएगुलेशन होता है, उससे भी कुछ प्रकार की बीमारियां जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में कुछ फ़र्क पड़ सकता है। फ्रीजिंग टेक्निक है क्रायोपेक्सी, जिससे सर्जन एक फ्रीजिंग प्रोब लगा सकते हैं आँख के बाहर साइड में, उससे रेटाइनल टीयर को ठीक किया जा सकता है। अगेन वो सर्जन डिसाइड करेगा कि आपके कंडीशन के अनुसार कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर होगा, यानी कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा नहीं है कि सर मेरे को तो फ्रीजिंग ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। सो इंटेल्स कोल्ड जैसी चीज़ आपके आँख में जाती है और रेटाइना को फ्रीज कर देती है, ऐसे कई बार स्कार टिश्यू बन जाते हैं, लेकिन वो स्कार सिक्योर कर देता है रेटाइना को, फिर वो हिलने नहीं देता वहाँ से। सो रेटाइना की कुछ बीमारियों में ये फ़ायदेमंद देखा गया है।
बेसिक आइडिया है कि आंख बेटर दिखनी चाहिए, दिखना अच्छा दिखना शुरू हो जाए। ज़्यादातर लोगों में एक उम्र के बाद रेटिना की बीमारियां होने लगती है। कई बार आंख के अंदर एयर या गैस भी इंजेक्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूमैटिक रेटिनोपैक्सी। यहाँ पर रिपेयर करने की कोशिश होती है रेटाइनल डिटैचमेंट को, राइट। वो न्यूमैटिक या जिसमें उसके साथ में यूज़ किया जा सकता है कॉम्बिनेशन में क्रायोपैक्सी या फिर लेज़र फोटोकोएगुलेशन का। कई बार इसमें एक सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन का नाम है इंडेंटिंग द सरफेस ऑफ द आई लाइक या स्क्लेरल बकलिंग। इस प्रकार की एक छोटी ऑपरेशन होता है, इसमें छोटा पीस सिलिकॉन मटेरियल का आपके आँख के बाहर डाला जाता है। उस इंडेंटेशन से क्या हो जाता है कि आपका विट्रस जो है वो रेटिना को दबा के रेटिना आपका डिटैच वाला अटैच हो जाए, ऐसा हिसाब है। अच्छी बात है, हो जाता है कई बार। कई बार आँख में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसका जो आँख का फ्लूइड थोड़ा सा निकाल ले, एवैक्यूएटिंग एंड रिप्लेसिंग द आई फ्लूइड, यानी उसका या फिर रिप्लेस किया जा सकता है विट्रस फ्लूइड, या विट्रेक्टॉमी भी बोलते हैं इसको, जिसमें कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, कोई क्लाउड बना हुआ है तो उसको निकाला जा सकता है आँख से। या दवाइयाँ डाल सकते हैं, मेडिसिन डाल सकते हैं आँख के अंदर, कुछ प्रकार की दवाइयाँ जिसमें हमें लग रहा है कि मैक्यूलर डिजेनरेशन, रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी या ब्लड वेसल जो ब्रोकन है उसको ठीक कर सकें। या फिर इम्प्लांट किया जा सकता है रेटाइनल प्रोस्थेसिस। रेटाइना का पूरा पर्दा अलग से आता है प्रोस्थेसिस। अगर सिवियर विजन लॉस, ब्लाइंडनेस हो चुका है, कुछ इनहेरिटेड रेटाइनल पिगमेंटोसा या ऐसी कोई बीमारी की वजह से, तो इलेक्ट्रोड चिप डाल के इम्प्लांट किया जा सकता है रेटाइना के अंदर, जो इनपुट लेगा और वो एक वीडियो कैमरा आपके ग्लासेस से, और वो इनपुट आपके दिमाग तक पहुँचाएगा। तो वीडियो कैमरा एक सिस्टम है, वो आप डॉक्टर से अपने बात कर सकते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से रेटाइनल प्रोस्थेसिस के बारे में। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेक श्योर करिए कि आप अपने आँख को रेगुलर चेक कराएं, अपने प्रिस्क्राइब ग्लासेस जो हैं आपके जो भी हैं वो सही टाइम पे पहने अगर कोई है। रेगुलर आँख चेक कराना ज़रूरी है, कंप्यूटर से दूर रखना ज़रूरी है। आई स्ट्रेन के बारे में हमारे 2-3 वीडियोज़ हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ज़रूर वीडियो देखिए, वो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। डायबिटीज़ कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग बंद करें और ब्राइट लाइट से थोड़ा दूर रहें। 20-20-20 का रूल पता होना चाहिए आपको। अगर आपने विजन वाला हमारा आई स्ट्रेस वाला वीडियो देखा है तो वो ज़रूर फॉलो करें। और याद रखें, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सपोर्ट करें, संपर्क करें। थैंक यू सो मच। ये हुई रेटिना की बीमारी। आई होप एवरीबॉडी विल बी हैप्पी विद दिस। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।